विश्वांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहगण ललिता शिविशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादात् नगदिः कुतोऽपि ध्यायं स्तुवंस्तस्य यः शास्त्रीसन्ध्यम् वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गोर्विषे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमोस्तुते तत् कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी श्री विश्वभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिय जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एछे गोसाईर करी चरण वंदन जहां होइते विघ्न नाश अभीष्ट पूरन वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे तो आप सबका यहाँ पर श्री नवदीप धाम में सब आए हुए वैष्णव वृंद का स्वागत है और आप सब की कृपा याचना मैं भी करती हूँ कि आप सब मुझ पर कृपा करें क्योंकि भगवान श्री गुरु श्री वैष्णव इनके संबंध में बोलने के लिए कृपा शक्ति की आवश्यकता होती है तो आप सब वैष्णव वृंद कृपा करें जिससे कि मैं भगवान के समस्त भक्तों की किंचित सेवा करने का प्रयास कर पाऊं। तो कल हमने
श्री गुरुदेव के महत्व पर चर्चा की और श्री गुरुदेव के महत्व पर हमने श्रीमद् भागवतम का एक बहुत ही सुंदर श्लोक उद्धृत किया जो कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं उद्धव जी से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं एवं गुरु पासना एक भक्तया विद्या कुठारेण शीतेन धीरः विवृश्च जीवाशय प्रमत्तः संपद्य चात्मान मथ त्यजास्त्रम। अर्थात कह रहे हैं कि हे धीर, हे स्थिर उद्धव, तुम अप्रमत्त होकर एकांत भक्ति से श्री गुरु के उपासना लब्ध तीक्ष्ण ज्ञान के कुठार के द्वारा ये जो त्रिगुणात्मक लिंग देह है उसका छेदन करके भगवान को प्राप्त करो और उसके बाद साधना करने से, साधना के उपायों के द्वारा कर्म आदि का त्याग करना। तो हमने कल चर्चा की असन्नपि क्लेशत आस देहा के ऊपर कि जो जीवात्मा अविद्या के चलते, अज्ञान के चलते हुए जो लिंग शरीर धारण करता है माया की वृत्तियों के कारण, माया के आवरणात्मिका और विक्षेपात्मिका इन दो वृत्तियों के कारण, जहाँ पर जीवात्मा जो कि तटस्थ शक्ति है भगवान की और अनादि काल से उसने माया का संग किया, अनादि काल से माया की तरफ दृष्टि की, भगवान से विमुख हुआ, इसीलिए अनादि काल से उसे माया का पाश सहना पड़ा। माया ने लिंग देह दे दी और उससे पहले दी कौन सी देह? सूक्ष्म देह। सूक्ष्म देह किनकी बनी हुई? मन बुद्धि और किसकी बनी हुई? मन बुद्धि अहंकार और चित्त, ये चार तत्वों की बनी जो सूक्ष्म देह की जब प्राप्ति हुई जीवात्मा को और उसके ऊपर दे दिया एक स्थूल शरीर 10 इंद्रियों वाला, और ये जो 10 इंद्रियां जिसमें से कि मन प्रमुख है, ऐसा 10 इंद्रियों वाला शरीर जहाँ की मन और चित्त पूरी तरह से अनादि काल के माया के संस्कारों को लेकर के एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन करता रहा है, ऐसा शरीर जब दे दिया तो जीवात्मा जो कि भगवान का अंश है, जिसकी पुष्टि हुई श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय में, जहाँ भगवान बोलते हैं ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। इतनी बड़ी बात बोल दिए भगवान, मेरा अंश है, भगवान आनंद घन है और भगवान का ये अंश आनंद ही है स्वरूपतः, स्वरूपतः। लेकिन चूंकि माया ने 2 शक्तियां डाली, आवरणात्मिका यानी उसका स्वरूप आवृत हो गया, ढक गया, जीव भूल गया कि मैं श्री कृष्ण का दास हूँ, वो भूल गया कि मैं उस आनंद का अंश हूँ। तो जो प्रथम अभिनिवेश था वो प्रथम अभिनिवेश होना चाहिए था स्वरूप का, क्या कि मैं आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ और उनका दास अनुदास हूँ, नित्य दास हूँ। ये प्रथम अभिनिवेश ढक गया माया की आवरणात्मिका वृत्ति के कारण, और ये प्रथम, इस प्रथम अभिनिवेश की जगह जो स्थापित हो गया वो हो गया अहंता और ममता। इस देह में ममता बुद्धि जागृत हो गई, अभिनिवेश जागृत हुआ, और देह के संबंधियों में मेरा बुद्धि जागृत हुआ, अहंता और ममता, मेरेपन की बुद्धि जागृत हुई। तो जब ये चीजें जागृत हुई, अहंता और ममता जीव के अंदर, तो उसका स्वरूप पूरी तरह से ढक गया, पूरी तरह से, क्योंकि जीव बेशक आनंद का अंश है, जीव आनंदमय है, किंतु स्वरूपतः इन 2 आवरणों से जब वो ढक गया जो कि उसके लिए एक सदा से कम नहीं है, तो फिर वो अपने इस स्वरूप को भूल गया। लेकिन
चूंकि जीव भगवान का अंश है, आनंद का अंश है, इसलिए आनंद को खोजना उसकी वृत्ति है। पर जो असल आनंद का स्रोत है उनकी तरफ, भगवान की तरफ ना देख करके जीव अब जड़ पदार्थों से, जड़ संबंधों से और जो नश्वर है उसमें अनश्वरता का ज्ञान करके, स्थायित्व का ज्ञान करके वहां आनंद ढूंढने लगा। श्री नरोत्तम दास ठाकुर वहां से कहते हैं कि विषय गरलमय ताते मानो सुख जाए। विषय जो है, जिन विषयों में जाकर के मनुष्य का मन डूब गया, जीवात्मा का मन डूब गया, नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने एहसास दिलाया, कहा कि ये विषय गरलमय हैं, विषय में ही विष छुपा है, या हटा दीजिए तो विष छुपा है, लेकिन इस विष ओर की, विष की तरफ नजर नहीं जाती। तो क्या आ गया, विषय गरलमय, उसमें सुख मानने लगा, लेकिन जब वो सुख उसको पूरी तरह सुखी नहीं कर पाते तो किसी किसी भाग्यवान को दुख की उपलब्धि होती है, दुख समस्त भाग्यवानों को उपलब्ध नहीं होता। तो जब उनको दुख की उपलब्धि होने लगी तब कहीं कोई भगवान की शरण के लिए पिपासु हो गया। तो आज जिस श्लोक पर हम चर्चा करेंगे कि जहां बता रहे हैं महाराज निमि को, पिपलायन ऋषि नवयुगेंद्र में से जो अन्यतम है, वो ऋषि हैं, वो बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि जीव की जो ये दशा है वो क्यों है। कह रहे हैं भयम द्वितीयाभिनिवेशतः स्यादिशाद पेतस्य विपरयो अस्मृति तन माया तो बुद्ध अवजात अवजेत तम भक्तेक येषम गुरु देवतात्मा। श्री गुरुदेव का महत्व बता रहे हैं कि इस माया को पाश, इस माया के पाश को काटने का एकमात्र अस्त्र है श्री गुरु के शरणापन होना, सदगुरु के शरणापन होना। श्री गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य पे हमने जाना, हमने ये महसूस किया कि श्री गुरु के शरणापन हुए बगैर माया के पाश को काटना असंभव है। और हमारे समस्त शास्त्रों के समस्त वचन, समस्त जो श्लोक हैं, इसी बात की पुष्टि करते हैं। तो जो इस श्लोक को कहा पिपलायन ऋषि ने, तो कह रहे हैं देहात्म बुद्धि से ही भय उत्पन्न होता है। भगवान ने कहा श्रीमद् भगवद गीता में इस जगत के बारे में, दुखालयम अशाश्वतम, ये जगत क्या है, दुखालयम अशाश्वतम, जहां हम जन्म लेते हैं। तो क्यों दुख कहा, किसी वैष्णव से, किसी भक्त से हम अगर पूछें तो वो कभी नहीं कहेगा कि ये जगत क्या है, दुखालयम अशाश्वतम, वो कहेगा कि ये जगत सुख का सागर है। क्यों, क्योंकि उसे हर जगह भगवान की, भगवान का आभास होता है। तो भयम द्वितीय अभिनिवेशित, ये द्वितीय अभिनिवेश जब हमारे अंदर आ गया, किसका, शरीर का, कौन से शरीर का, सूक्ष्म शरीर का और स्थूल शरीर का, ये दो आवरण जो हमारे ऊपर चढ़ गए, इनसे ही भय उत्पन्न हो गया। जब अनश्वरता में नश्वरता को ऊपर हमने थोप दिया, अनश्वरता के ऊपर, अनश्वरता के ऊपर अनश्वरता को, हमने सोचा कि ये हमारे लिए अनश्वर चीजें हैं, क्या मैं शरीर के रूप में अनश्वर हूँ, मेरी मृत्यु नहीं होती, जो मेरे आस पास के लोग हैं मृत्यु सिर्फ उनकी होती है, लेकिन फिर भी भय से व्याकुल हैं। किस प्रकार के भय से व्याकुल हैं, कि कहीं कुछ खो ना जाए, कहीं हमारा सब कुछ समाप्त ना हो जाए, इस प्रकार के भय से व्याकुल हैं। तो भय एक नहीं अनेक हैं, शरीर के जाने का दुख, शरीर में रोग शोक हो जाए उसका दुख, ये जो मेरा है ना, कल आपको पांच क्लेशों के नाम बताए, जिसमें से अविद्या, जहां पर जो अस्थाई चीजें हैं, जो मिथ्या चीजें हैं, उसको अनश्वर बुद्धि से देखना, ये अविद्या है ना, और अस्मिता यानी अहंकार, शरीर में मैं का भाव और शरीर से संबंधित चीजों में मेरा का भाव, ये अहंकार, और फिर राग यानी प्रीति करना, प्रेम करना, किससे, जड़ चीजों से, तो ये दुख का विषय है। और फिर उसके बाद, राग के बाद द्वेष, यानी अगर किसी ने मेरा हित नहीं साधा तो उससे द्वेष हो जाना, द्वेष, और फिर अभिनिवेश,
शरीर में और शरीर के संबंधों में पूरी तरह मोह युक्त हो जाना ये अभिनिवेश, ये पांच चीजें, ये पांच ही भय के कारण है। यहीं से भय उत्पन्न होता है। किसी को खो देने का भय, आज सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन भय कि कल क्या होगा, आने वाले कल का भय। तो भय, मृत्यु का भय, रोग का भय, शोक का भय, समाज में सम्मान नहीं मिलेगा इसका भय, हम आज जिस स्थिति में हैं उस स्थिति पर कायम रहेंगे कि नहीं, क्या करें कि कायम रहे, उसका भय। तो भगवान यह कह रहे हैं श्रीमद् भागवतम में पिपलायन ऋषि जी के मुख से कि भयम द्वितीय अभिनिवेशतः अभिनिवेशतः, यानी जो द्वितीय अभिनिवेश है, द्वितीय अभिनिवेश यानी अपनी गलत पहचान कि मैं शरीर हूँ और ये शरीर के रिश्तेदार ही मेरे हैं, ये सारे ये जितने लोग हैं बस यही मेरे हैं। साधुओं के लक्षण में एक बहुत बड़ी बात बताई गई कि असल साधु जो हैं वो हरेक जगह हरेक को सम्मान देते हैं, सब में कृष्ण अधिष्ठान देखते हुए, सब में श्री कृष्ण को देखते हुए सबको अपना मानते हैं। इसीलिए शायद हमारे देश की बहुत बड़ी प्रणाली है, बहुत बड़ी प्रथा है जहाँ बोला गया वसुधैव कुटुम्बकम, ये सिर्फ हमारे देशवासी ही कह सकते हैं वसुधैव कुटुम्बकम, पूरा पृथ्वी ही एक कुटुम्ब है, एक परिवार है ना, क्योंकि साधुत्व यहाँ है, यहाँ आत्मज्ञान है, यहाँ आध्यात्मिक ज्ञान है। तो भगवान कहते हैं कि देखो सारे भय ना इस द्वितीय अभिनिवेश से उत्पन्न होते हैं। तो उपाय क्या है, द्वितीय अभिनिवेश को तो समाप्त किया नहीं जा सकता। तो भगवान जब सनातन गोस्वामी पाद जी को शिक्षा दे रहे हैं तो एक बहुत सुंदर प्यार कह रहे हैं और कहते हैं ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता वीर, ताते कृष्ण भजे करे गुरुर सेवन हाँ, और फिर माया जाले झूठे पाए श्री कृष्ण चरण। कितनी बड़ी बात, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव। कल बोला मनुष्याणाम सहस्रेशु कश्चित यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः, कि सहस्र सहस्र मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयासशील होता है। ये सिद्धि क्या है, ये सिद्धि वही द्वितीय अभिनिवेश से पीछा छुड़ाना। अभी हमने श्लोक पढ़ा जहाँ पर उद्धव जी को भगवान कह रहे कि इस लिंग शरीर का छेदन करो, किससे, गुरुदेव की उपासना से जो तुमको ज्ञान मिला है उस ज्ञान रूपी तीक्ष्ण कटार से, कुठार से, कुल्हाड़ी से इसका छेदन करो। ज्ञान से ही छेदन होगा अज्ञान का, अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानंजन शलाकया, गौतमी तंत्र में उपदेश आया, अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानंजन शलाकया। तो अज्ञान तम, अगर इसका एक और मायने देखें तो अज्ञान तम बोल दिया, तम का अर्थ अज्ञान कहाँ से उत्पन्न होता है, तमो गुण से, रजोगुण से ज्ञान और सुख उत्पन्न होता है, और सॉरी सतोगुण से ज्ञान और सुख उत्पन्न होता है, लेकिन जो तमोगुण है उससे अज्ञान, प्रमाद, मोह, अधिक निद्रा, इसकी उत्पत्ति होती है। तो ये अज्ञान तम बोला, अज्ञान तम यानी अंधेरा, अज्ञानतम, गहनतम अज्ञान है, यानी इस दुनिया के 90% लोग कम से कम गहनतम अंधकार के गिरफ्त में हैं। गहनतम अज्ञान क्या है, मैं फला फला हूं, ये जितने उपाधियां हैं ये गहनतम अंधकार है। नारद जी ने कहा कि निरुपाधिक भक्ति करनी होगी, समस्त उपाधियों से छुटकारा पाना होगा तब कहीं भक्ति होगी। नारद जी ने शुद्ध भक्ति की व्याख्या दी कि समस्त उपाधियों से छुटकारा पाऊं। लेकिन जब हम शरीर की उपाधियों को जीते हैं और शरीर की उपाधियों के लिए जीते हैं तो वो हो जाता है गहनतम अज्ञान, तम तमो गुणी, यानी यहाँ भगवत विमुखता है, भगवान से वैमुख्य है। तो ऐसे अंधकार में अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानंजन चला गया, लेकिन श्री गुरुदेव की जब शरणागति हमने ली, जब श्री गुरु के शरण में हम आए तो उन्होंने क्या दिया, ज्ञानंजन चला गया, ज्ञान का अंजन आंखों में लगा दिया। अब ये कौन सा ज्ञान है, ये कौन सा ज्ञान है, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, प्रेम भक्ति जहां होते
अविद्या विनाश जाते वेदे गाए जहां चरित, ये कौन सा ज्ञान है? तो ये ज्ञान है श्री कृष्ण सुखै तात्पर्यमयी सेवा का ज्ञान। ये वो ज्ञान है जहाँ श्री रूप गोस्वामी जी ने कहा अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। जहाँ नारद जी कह रहे हैं सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्बलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुत्तमा। उन्होंने उत्तम भक्ति की पहचान दी कि समस्त उपाधियों से मुक्त होकर के जब तुम निर्मल हो जाओगे, इसका मतलब हमारा मल हमारी उपाधियां हैं। आप उल्टा करके देखिए, हमारा मल हमारी उपाधियां हैं। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं इस जाति का हूं, मैं इस वर्णाश्रम धर्म का हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं भक्त हूं, ये भी एक उपाधि है। मैं भक्त हूं, मैं भक्त हो नहीं पाया अब तक, ये दीनता की परिपाक अवस्था है जो प्रेम से उत्थित है। तो सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, उसके बाद तुम जब निर्मल होगे तब तुम अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा करो। यानी कि दूषित इंद्रियां भगवान की सेवा में लग नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मन विभिन्न प्रकार के संस्कारों से ग्रस्त है, चित्त विभिन्न प्रकार के संस्कारों से ग्रस्त है। तो इंद्रियां अगर मन की सहायता के बगैर भगवान की सेवा में लगेंगी तो वस्तुतः वो सेवा कर नहीं पाएंगी, सेवा स्वीकृत नहीं होगी, क्योंकि बिन प्रेम भगवान सेवा स्वीकार नहीं करते। भगवान ने कहा पुष्पम फल पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तया प्रयच्छति। तो मन का अभिनिवेश समस्त इंद्रियों के कार्य में होना आवश्यक है, मन का अभिनिवेश। इसीलिए महाराज अम्बरीश जब भजन करते हैं तो उनके लिए हमारे शास्त्र कहते हैं सावे मनः कृष्ण पदारविंदयो। पहले मन की बात हो गई कि भगवान के चरणों में उनका मन लगा था, वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने। फिर एक एक इंद्रिय की बात होने लगी, बोल जो है बोली है वो भगवान के गुणानुवर्णन में लगे हुए थे। एक एक इंद्रियों की बात होने लगी, हाथ भगवान मंदिर मार्जन में लगे हुए थे। एक एक इंद्रियों की बात होने लगी, नाक जो है भगवान को अर्पित पुष्पों के और तुलसी चंदन के आघ्राण में लगे हुए थे। कर्ण भगवान की कथाओं को छोड़कर कुछ नहीं सुनते थे। चरण जो है वो भगवान के धामों में जाते थे, तीर्थ स्थानों में जाते थे, मंदिर में जाते थे। हाँ, इस प्रकार एक एक इंद्रियों की बात होने लगी। आंखें भगवान के रूप को देखने के लिए ही तरसती थी, जीवा भगवान का प्रसाद ही खाती थी। तो लेकिन पहले बोला सावय मन मनः कृष्ण पदारविंदयो, पहले मन की चर्चा हो गई कि मन निवेशित होगा तब। यानी कि मन के संयोग के बगैर आंखें अगर देखती भी हैं तो उसे देखना नहीं कहते। अर्थात अगर आंखों ने देखा और मन वहां नहीं है तो हमने देखा ही नहीं। हम बैठे हैं, हमने सुना पर मन वहां नहीं है, कान के साथ उसका संयोग नहीं हुआ तो संयोग हुआ ही नहीं। अर्थात सावय मनः कृष्ण पदारविंदयो। तो जब बोला कि तत्परत्वेन निर्मलम सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, पहले उपाधियों से मुक्त होना होगा। पहली उपाधि जो सबसे भयंकर उपाधि है, मैं शरीर हूँ, इस उपाधि से छुटकारा पाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। लेकिन फिर भी उपाय बता दिया भगवान ने। श्री उद्धव जी को बोला कि श्री गुरुदेव की उपासना से, यानी कि उनकी निकटता से, उनकी सेवा से, जो श्रीमद् भगवद गीता में बोला गया तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिना। तुम भगवान के तत्व को जानने के लिए महत का संग करो, भगवान के किसी उत्तम भक्त का संग करो, तो वो क्या करेंगे, वो तुम्हें ज्ञान देंगे, भगवत संबंधी, भगवान के तत्व संबंधी ज्ञान देंगे। लेकिन सेवा कैसे करो? ज्ञान देंगे तो प्रश्न भी होंगे, बोले हाँ प्रश्न होंगे। परिप्रश्नेन सेवया प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, प्रणिपात करो, दंडवत हो जाओ, आरती हो, उत्कंठा हो, क्रंदन हो कि मैं प्रभु आपके इस उपदेश के बगैर मेरी जीवन मेरा जीवन अधूरा है, मैं इसके बगैर अपने जीवन की नैया को पार नहीं ले जा सकता, आप ही मेरे सहारा है। तो जब ये आरती होगी, जब ये उत्कंठा होगी तो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, उससे पहले दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित नहीं। तो इसीलिए बोला कि ये जो मन है, भगवान ने बोला कि अभ्यास करो। गीता में भगवान ने बोला चंचलम ही मनः कृष्णा,
जब बोल रहे हैं अर्जुन, तो भगवान ने कहा अभ्यास इंतु कौन थे वैराग्य चग्रिय थे, अभ्यास करो और विरक्ति। फिर यहाँ वही वाला श्लोक जहाँ बोल रहे हैं क्या गुरु की उपासना से लब्ध ज्ञान के द्वारा समस्त अज्ञान का छेदन करो। अज्ञान का मूल ये जड़ देह, इस जड़ देह का, इस लिंग देह का छेदन करो। अज्ञान तिमिरां धस्य, तो गुरुदेव अज्ञान तिमिरां धस्य, ये जो अज्ञान का जो तिमिर है, जो तम है, जो अंधेरा है, जो तमो गुण से उत्पन्न अज्ञान है, उसका छेदन करते हैं। कौन से ज्ञान को हृदय में प्रकाशित करते हैं? दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। वो दिव्य ज्ञान है कृष्ण सुखेक तात्पर्यमयी सेवा, कृष्ण के सुख के लिए ही अपने समस्त इंद्रियों को, मन को, चित्त को, आत्मा को लगा देना, डुबो देना भगवत विषय में। तो बोल रहे हैं कि देखो अगर हम भगवान की सेवा की बात करते हैं तो कैसी सेवा होगी? अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, अपनी समस्त स्वसुख की जितनी भी सूक्ष्मतम अभिलाषाएं हैं उनको छोड़ना होगा, त्यागना होगा। तो सीधी सी बात है, जब कोई व्यक्ति अपने शरीर के ज्ञान के समेत कि मैं शरीर हूँ, इस ज्ञान के समेत समस्त उपाधियों को त्याग देता है, तब उसके अंदर मैं कहने के लिए और कुछ नहीं रहता। उसके अंदर मैं कहने के लिए मैं कृष्ण दास हूँ सिर्फ यही रह जाता है। ये ज्ञान कौन लाता है? दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। भगवान और गुरुदेव की सेवा करने से ये दिव्य ज्ञान स्वयमेव हृदय में प्रकाशित हो जाता है। इसके लिए अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसीलिए बार बार बोल रहे हैं, देखिए फिर से जो है ऋषिवर बोल रहे हैं महाराज निमि को कि तत्र भागवतान धर्मान शिक्षेत गुरुवोत्वम देवता अमायानुवृत्तया येस्तु शेदात्मात्मदो हरि। श्री गुरु को आत्मा तथा देव सोचकर, अर्थात श्री गुरु और देवता में एकात्म भावना से, उनकी निष्काम सेवा से उन्हें तुष्ट करके उनसे उस भागवत धर्म की शिक्षा ग्रहण करो जिससे परमात्मा हरि संतुष्ट होते हैं। तो कितनी बड़ी बात है, यहाँ भी यही बात बोली कि श्री गुरु को आत्मा और देवता जैसे भगवान में हमारी उपास्य बुद्धि है, श्री गुरुदेव में ठीक उसी तरीके की उपास्य बुद्धि अगर नहीं होगी तो फिर हम श्री गुरुदेव से कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। प्राप्त क्या करना है? वही बात, दिव्य ज्ञान। उस ज्ञान को प्राप्त करना है जो पिपलायन ऋषि कह रहे हैं, जिस ज्ञान के द्वारा श्री हरि की संतुष्टि का विधान होता है। वो कौन सा ज्ञान है? वो है भक्ति का ज्ञान। भक्ति क्या है? अन्य अभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्मादि अनावृतम। ज्ञान कर्म इन दोनों से अनावृत होकर और अन्य अभिलाषिता यानी कृष्ण सुख की अभिलाषा के अलावा, उसके अलावा इतर राग विस्मारणम निणाम, इस प्रकार के इतर राग को छोड़ करके जो व्यक्ति भगवान की सेवा सुख है तात्पर्यमयी सेवा करता है, अर्थात भजन के अंगों का पालन करता है। श्री रूप गोस्वामी जी ने भजन के 64 अंग बताए, श्री प्रहलाद जी ने भजन के 9 अंग बताए जिसमें से 5 प्रमुख बताए, और श्री श्रीमन महाप्रभु ने भी 5 अंग बताए कि ये 5 का संग कर लो तो काम हो जाता है। क्या? भागवत श्रवण, साधुओं का सेवन, मथुरा में वास करना और श्रद्धा से श्री मूर्ति की सेवा करना और संकीर्तन, भगवान के नामों का कीर्तन। ये 5 का अल्प संग भी यदि कोई करे तो जगाए कृष्ण प्रेम, ये महाप्रभु का कथन है। और कहा कि कोई एक अंग भी अगर अच्छी तरह से उसका यादन करे तो भी वो प्रेम प्राप्त कर लेता है। कितनी बड़ी रियायत दे दी गई, कितनी बड़ी बात बता दी गई। तो अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा, यानी अनुकूल भाव से जो श्री कृष्ण का अनुशीलन करे। अब यहाँ पर एक बड़ी मजे की बात है, हमारे जो महाजन कहते हैं कि अनुकूल भाव का अर्थ क्या है? भगवान को मान लो लड़ना पसंद है, मतलब उनके अंदर शौर्य है, उनके अंदर वीरता, बल, षड ऐश्वर्यों में से बल एक ऐश्वर्य है। अब मान लीजिए
बल प्रयोग का अवसर ही न मिले। भगवान चाहते हैं कि हाँ मैं युद्ध करूं, तो जैसे जय विजय जी ने कहा कि ठीक है प्रभु, हम चाहेंगे कि आपसे युद्ध हो और दुनिया आपका शौर्य जाने। तो तीन बार उन्होंने असुरों के कुल में जन्म लिया, तीन बार इस रूप में आए, है ना। तो क्या हम भी इस प्रकार से कार्य करें? तो बोले नहीं, कृष्णानुशीलनम इस प्रकार से नहीं होगा। भगवान को पसंद है लेकिन ये भक्ति की सही विधि नहीं है। तो फिर भक्ति की सही विधि, तो कुछ चीज ऐसे हैं जो कृष्णानुशीलनम है, जैसे कि यशोदा मैया। यशोदा मैया के गोद में बैठ करके श्री हरि श्री कृष्ण भगवान यशोदा मैया का स्तनपान कर रहे थे, लेकिन देखती है कि अरे चूल्हे पर दूध रखा उबल गया, अरे मेरे दूध से तो श्री कृष्ण के लिए पायस बनेगा नहीं, मेरे दूध से तो श्री कृष्ण के लिए कोई खीर आदि कोई अन्य संदेश वगैरह कुछ तो बनेगा नहीं, ये तो गैया के दूध से ही बनेगा और गैया का दूध व्यर्थ हो जाएगा तो मैं कृष्ण सेवा कैसे करूंगी। तो लो लाला तुम नीचे बैठो, नीचे पटका और वो चले गए। कृष्ण वर्णन आया है, श्री कृष्ण दांतों से अपने अधर को दबाने लगे, काटने लगे, क्रोधित हो गए, खूब क्रोधित हो गए। अब अगर भगवान के क्रोध को देखें तो लगेगा कि यशोदा मैया ने तो अनुकूल सेवा नहीं की, क्योंकि प्रभु तो क्रोधित हो गए। तो बोले नहीं, कृष्ण की सेवा, कृष्ण के सुख के लिए सेवा करने के लिए यदि श्री कृष्ण को इस तरह से मैया ने छोड़ भी दिया तो भी अनुकूल भाव है। और इसका प्रमाण है कि भगवान ने दामोदर लीला में, दाम बंधन लीला में यशोदा मैया के द्वारा बंधन को स्वीकार कर लिया। तो वो जो अनंत है, वो जो असीम है, जो समस्त बंधन के परे है, उसने बंधन को स्वीकार किया। क्यों? भक्त वत्सलता के कारण, वात्सल्य धर्म के कारण। तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया कि जो कि द्वितीय अभिनिवेश अगर किसी के अंदर है, जो समस्त जीवों के अंदर है, तो जब तक श्री गुरु के चरणों की सेवा नहीं की जाएगी, श्री गुरु से दिव्य ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे उनकी सेवा के द्वारा, उनकी संतुष्टि के द्वारा, तब तक इन अभिनिवेशों से दूर हो पाना असंभव है। और याद रखिए, ये जो द्वितीय अभिनिवेश है, यानी शरीर को ही मैं समझना और शरीर के संबंधों को ही मेरा समझना, यही सबसे भयंकर अभिनिवेश है, जिससे समस्त प्रकार के भय उत्पन्न होते हैं, समस्त प्रकार के अनर्थ उत्पन्न होते हैं। तो ये अनर्थ कैसे उत्पन्न होते हैं? ये अनर्थ जब हम गुरुदेव की शरण नहीं लेते और हम अपनी तरफ से प्रयास करते हैं कि हम भजन करें, तो अनेक अनर्थ उत्पन्न होते हैं। या हम श्री गुरुदेव की शरण ले लेते हैं किंतु हृदय में कपटता रहती है, हृदय में कपटता रहती है, पूर्ण शरणागति के जो छह लक्षण हैं उनसे हम लोग दूर रहते हैं, तब क्या उत्पन्न होता है? तब ये अनर्थ उत्पन्न होते हैं। कैसे अनर्थ उत्पन्न होते हैं? अनर्थ उत्पन्न होते हैं दुष्कृति से, दुष्कृति से अनर्थ, यानी पिछले जन्मों में जो हमने पाप किया उनसे अनर्थ उत्पन्न हुए, जिनमें पांच क्लेशों को हम निरंतर झेलते रहते हैं। पाप किया तो कोई गरीब परिवार में पैदा हुआ, खाने को रोटी नहीं, बार बार भटकता है, यहाँ वहां जाता है, अब उससे कह दो भाई भजन कर लो, ये माला कर लो, तुम्हारे दुख दूर होंगे, तो उसे विश्वास नहीं आएगा, वो कभी भी बैठ के माला नहीं करेगा, कभी भी बैठ के वो हरिनाम नहीं करेगा। हो सकता है उसके मुंह से भगवान के लिए अपशब्द निकले, वैष्णवों के लिए अपशब्द निकले, ये क्या है? दुष्कृति जात अनर्थ, दुष्कृतियों से ये अनर्थ हुए। और जो दुष्कृतियों से जात अनर्थ के वश में हैं, वो पांच प्रकार के क्लेशों को निरंतर भोगते हैं, जो आपको बताए गए, क्या? अविद्या और अस्मिता, राग द्वेष अभिनिवेश, हमेशा भोगते रहते हैं इन पांच क्लेशों को। और दूसरा है सुकृति से जात अनर्थ। सुकृति से जात अनर्थ क्या होता है? सुकृति से जात अनर्थ का अर्थ हुआ कि किसी ने इतने पुण्य कर लिए पिछले जन्मों में, इतने पुण्य कर लिए कि उसका बहुत ज्यादा अमीर परिवार में, रईस परिवार में जन्म हुआ। अब जब दुख का कभी अनुभव ही नहीं हुआ तो वो भगवान की तरफ क्या मुड़ेगा? क्योंकि भगवान ने कहा कि चतुर्विधा भजन्ते माम, है ना, मुझे सिर्फ चार प्रकार के लोग भजते हैं, कौन से? आर्तो। और भगवान ने बोला क्या है? वो महात्मा है, हालांकि आरती, जिज्ञासु, ज्ञानी और अर्थार्थी। तो जो आरती है,
सबसे ज्यादा वही भजन के निकट आते हैं, दुखी हैं, रोग है, शोक है, अपनों ने गम दिया उसका दुख है, अधि भौतिक दुख, अधि दैविक दुख, आध्यात्मिक दुख, इन तीन दुखों के मारे ये बिचारी जलते हुए जो संसार को दावानल की तरह महसूस करते हैं, जिन्हें दुख की उपलब्धि हो जाती है, वो क्या करते हैं, वो आते हैं भगवान के निकट आरती। तो जिसको दुख की उपलब्धि नहीं हुई वो भगवान की तरफ नहीं जा सकता। और ये जो सुकृति से जात अनर्थ है, यहाँ जिसका जन्म हो गया वो कभी भी दुख की उपलब्धि नहीं कर सकता, उसे भगवान की कोई जरूरत नहीं है। एक फोन किया उसके 10 काम हो जाते हैं, एक फोन किया 10 काम हो जाते हैं, पैसा ही पैसा है पास में, तो पाप करने की प्रवृत्ति जागृत हो जाती है। निवृत्ति की प्रवृत्ति जागृत नहीं होती है कि निवृत्ति कर लें, निवृत्ति हो इस दुखमय संसार से, ऐसा उनके अंदर एहसास कभी जागृत नहीं होता। उनके अंदर हमेशा यही बात जागृत होती रहती है कि इस पैसे का क्या उपयोग हो। तो ये हो गया कैसा अनर्थ, ये हो गया सुकृति से जात अनर्थ। और फिर भक्ति से उत्पन्न अनर्थ कि अगर कोई श्री गुरु का पूर्णतया शरणागत नहीं होता है, श्री गुरु के शरणापन उनकी सेवा में कमी करता है, सेवा नहीं करता है, अंदर से उसके अंदर जो है अवज्ञा होती है, या जो है श्री गुरुदेव के प्रति उसके अंदर कपट भाव होता है, तो उसके अंदर अपराध से उत्पन्न अनर्थ पैदा हो जाते हैं। भक्ति से उत्पन्न अनर्थ उनके उत्पन्न होते हैं जो भक्ति में आगे बढ़ने लगते हैं। तो ये कहा गया कि जैसे जैसे जिस जिस मात्रा में भक्ति बढ़ेगी उस मात्रा में उसके पास लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा ये आने लगेंगी। ये हमारे शास्त्रों में कहा ये स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक है, नॉर्मल है। लेकिन बुरा क्या है, इसकी स्पृहा बुरी है। माधवेंद्र पुरीपाद जी, उनका उदाहरण देखिए, क्षीर चोरा गोपीनाथ में गए, उनके दर्शन कर रहे हैं, और जब सुगंधित अमृत केली पायस उनकी आंखों से गुजरा और उन्होंने दर्शन किए, तो उनके हृदय में एक बहुत उत्तम और सुंदर अभिलाषा जागृत हुई कि आहा, यदि इस पायस का स्वाद मुझे मिलता और मैं जान पाता कि इसे कैसे बनाया जाता है, तो मैं फिर जो है अपने भगवान को ही अर्पित करता, श्रीनाथ जी को मैं ही अर्पित करता। बस ये एक विचार आना था, तो उन्होंने अपने आप को बहुत धिक्कारा कि हाँ हाँ, ये मैंने क्या सोच लिया, मैं ये सोच करके बैठा हूँ, मैं तो अयाचित वृत्ति का व्यक्ति हूँ। कभी भी श्री माधवेंद्रपुरी जी ने कभी भी किसी से कुछ नहीं मांगा था, कुछ भी नहीं मांगा था। तो अयाचित वृत्ति का व्यक्ति हूँ और मैंने भगवान के भोग पर अपनी आंख लगा दी, ये क्या हुआ। बहुत क्षुब्ध हो गए, बहुत दुखी हो गए, बहुत ही ज्यादा प्रायश्चित करने लगे और अपने आप को कोसते हुए चले गए बाहर, एक चौपाल पर बैठ गए बाजार के पास और कंदन करने लगे कि प्रभु, मेरा कर्तव्य था कि मैं आपके सुख के लिए समस्त विधान करूं, लेकिन ये मैंने क्या किया, मैंने आपके सुख के लिए विधान करने के बजाय आपके भोग पर ही अपनी नजर लगा दी, कुदृष्टि डाल दी, प्रभु ये क्या हुआ। तो बहुत ज्यादा शोक करने लगे। जब ये अवस्था हुई, लेकिन भगवान तो भक्त के भाव से पूर्णतया परिचित है, भक्त की वृत्ति चाहे अयाचित है चाहे कैसे भी, किंतु जो भक्त वत्सल भगवान वो पूर्णतया से परिचित होकर के और कहने लगे कि माधवेंद्रपुरी, तुम इस खीर को चखना चाहते थे, मैं तुम्हारे लिए रख लेता हूँ। और खीर चोरा गोपीनाथ जी ने एक पूरा कटोरा मिट्टी का, जिसे सकोरा कहते हैं शायद, उसको पीछे अपने पीताम्बर के पीछे छुपा लिया और फिर रात में पंडित जी को स्वप्न आदेश दिया कि मैंने एक खीर का कटोरा रखा है और एस पला पला भक्त के लिए रखा है, वो भक्त वहां पर है, आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, जाओ जाकर के उनको ये दे आओ। गए माधवेंद्रपुरी जी, कौन है, कौन है माधवेंद्रपुरी जी? माधवेंद्रपुरी जी ने कहा, भाई मैं ही हूँ माधवेंद्रपुरी जी, कहिए क्या क्या है। तो उन्होंने कहा, धन्य है आप, आपके लिए हमारे श्याम सुंदर ने, हमारे गोपीनाथ जी ने चोरी की, आपके लिए उन्होंने एक खीर के सकोरे को अपने पीताम्बर के पीछे चुरा करके रख लिया, आप धन्य है, आपकी भक्ति की जय हो। माधवेंद्रपुरी जी ने सोचा ये क्या हुआ,
ये कहां से कहां आ गिरा मैं। पहले तो मेरे लिए भगवान को चोरी करनी पड़ी, मैंने इतना बड़ा भयंकर कर्म कर दिया कि मेरे खीर पे नजर गई, उसके उसके दुख से मैं अभी तक दुखी हूँ। और फिर द्वितीय चीज ये कि भगवान जो है, भगवान मतलब ये मुझे ख्याति देने का पूरा प्रयास हो रहा है, अब मैं रातों रात विख्यात हो जाऊंगा। तो खीर ली, खाया और सकोरे को टुकड़े कर करके और उन्होंने अपने आंचल में बांध लिया और उसे प्रसाद के रूप में पाने लगे। लेकिन रातों रात वहां से भाग गए कि जाना है मुझको, जाना है कहां, नीलाचल। लेकिन नीलाचल पहुंचते उससे पहले ही उनकी ख्याति वहां पहुंच चुकी थी, लोगों की अपार भीड़ थी माधवेंद्रपुरी जी के दर्शन करने के लिए। तो ख्याति भक्त की भक्त के पीछे चलती है, लेकिन ख्याति बुरी नहीं है, ख्याति की स्पृहा बुरी है। कहा गया है प्रतिष्ठा सूकरी विष्ठा, प्रतिष्ठा सूकरी विष्ठा। इससे जितना कोई व्यक्ति दूर रहे उतना ही वो भजन कर पाएगा। तो सबसे बड़ा मतलब ये प्रतिष्ठा की आशा, प्रतिष्ठा आशा बोला गया है हमारे शास्त्रों में। प्रतिष्ठा आशा इतनी खतरनाक है और इतनी सूक्ष्म है कि कौन से द्वार से किसी के चित्त में घुस जाएगी ये कोई नहीं जानता। तो और जितनी ज्यादा आएगी तो हमारे श्री चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु ने कहा ये उपशाखा है, ये तुम्हारी प्रेम भक्ति लता को बढ़ने नहीं देगी, ये क्या है, उपशाखा है। तो इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा कि इस उपशाखा का दमन करना होगा, प्रतिष्ठा सूकरी विष्ठा। तो इसलिए ये जो भक्ति से उत्पन्न अनर्थ है, प्रतिष्ठा, लाभ, पूजा, अगर कोई व्यक्ति इनकी चाहत रखेगा तो वो चाहे कितना भी भजन कर ले ये यही चीजें बढ़ेंगी। और जो मुख्य शाखा है जो कि भक्ति का बीज था जो अंकुरित होने लगा और धीरे धीरे बढ़ने लगा, वो फिर स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगी उसकी, वो बढ़ नहीं पाएगा और उपशाखा बढ़ जाएंगी। तो इसीलिए महाप्रभु ने कहा पहले इनका छेदन करो, जैसे कि कृष्ण जी कह रहे हैं उद्धव जी को कि पहले अपने लिंग शरीर का छेदन करने के लिए श्री गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान को आप तीक्ष्ण कटार के रूप में उपयोग करो। लिंग शरीर का छेदन होगा तो कौन सा शरीर मिलेगा, क्योंकि जीवात्मा तो बिना शरीर के रह नहीं सकती, अणुआत्मा बिना शरीर के रह नहीं सकती, कौन सा शरीर। तो गुरु जी का जो दिव्य ज्ञान जो हृदय प्रकाशित है जिसमें बोला गया एई से उत्तम गति, श्री गुरु चरणे रति एई से उत्तम गति, कौन सी उत्तम गति, कौन सी उत्तम गति, कौन सा शरीर। तो देखिए ये जो उत्तम गति की बात हुई यह है पार्षद शरीर के बारे में, सम सिद्धि जिसके बारे में बोला यांतिम पराम गति। श्रीमद भगवत गीता में भगवान ने बोला ये माम व्यपाशिता ये अपिसु पाप योनिया, जो भी पाप योनि है, जो भी पापी हैं, जो भी जैसे भी लोग हैं, स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्त अपि यान्तिम पराम गतिम, जिनको परागति हासिल होती है वो परागति क्या है, वो परागति है यही उत्तम गति। और उत्तम गति क्या है, उत्तम गति है पार्षद शरीर की प्राप्ति। पार्षद शरीर की प्राप्ति ये क्या है, तो इसका वर्णन श्रीमद् भागवतम में सुनने में आता है। जब नारद जी ने भगवान का भजन किया तो भगवान ने नारद जो बाल रूप में थे, जो भगवान का भजन वन में जाके कर रहे थे माता की मृत्यु के बाद, तो भगवान ने उन्हें कहा कि देखो अभी भी तुम्हारे अंदर कषाय हैं, कुछ कषायों का निशान बाकी है, जब वो समाप्त होगा तब तुम्हें पार्षद शरीर की प्राप्ति होगी जिससे तुम मेरा सामिप्य ले पाओगे। हालांकि भक्तों के लिए कहा गया है दिये मानम न गृणंती बिना मत सेवनम जना, तो है ना देवहूति जी से कपिल जी ने कहा कि ये जो मुक्तियां है ना पांच प्रकार की, अगर इसमें मेरी सेवा निहित ना हो तो भक्त लोग मेरी सेवा के अतिरिक्त कुछ चाहते नहीं, उन्हें मुक्ति नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी जो भक्त हैं भगवान की सेवा के लिए ही पार्षद शरीर ग्रहण करते हैं, और हमारे लिए तो इस पार्षद शरीर का बहुत ज्यादा महत्व है। क्यों, क्योंकि हमारे लिए कहा गया कि मंजरी भावोपासना, मंजरियों की देह। कैसे, महाप्रभु ने इसका वर्णन किया सनातन गोस्वामी पाद जी की शिक्षा के समय कि बाह्य अंतर इहार द्वैत साधन, बाह्य देह करिए
श्रवण कीर्तन और अंतर निज सिद्ध देह करिया भावन रात्र दिन करिए श्री राधा कृष्णेर सेवन। तो दो साधन बता दिए चैतन्य महाप्रभु ने कि बाहरी साधन से श्रवण कीर्तन करना, जिस साधन को दिखाया हमारे समस्त गोस्वामी गणों ने, श्री रूप सनातन आदि समस्त गोस्वामियों ने दिखाया कि बाहरी साधन कैसे किया जा सकता है। श्रवण में क्या श्रवण? तो श्रीमद् महाप्रभु ने कहा श्रीमद् भागवतम श्रवण, श्रीमद् भागवतम को फोकस किया। क्यों? क्योंकि समस्त वेदों का सार है, रसमय फल है, और तो और इसमें ना बीज होता है ना छिलका होता है, ऐसा रसमय फल जो गुरु परंपरा के माध्यम से धीरे 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 भक्तों को रसास्वादित कर देता है, ऐसा फल जो भक्ति प्रदायक है, जो भगवान से मिलाता है, जिसका प्रत्येक श्लोक मंत्र का स्वरूप लिए हुए है। प्रत्येक श्लोक भगवान ने कहा कि मैं श्रीमद् भागवतम हूँ, वांग्मय जो चीजें उनमें मैं श्रीमद् भागवतम हूँ, है ना। भगवान ने कहा कि मैं जान रहा हूँ, श्रीमद् भागवतम के रूप में ही मेरी अवस्थिति है। तो श्रवण में कौन सा श्रवण? श्रीमद् भागवतम का श्रवण। तो इसलिए जो समस्त अनर्थों की बात हुई वो श्री गुरु के चरणों की शरण लेने से ही अपने आप दूर हो जाते हैं, जिसमें से भक्ति उत्थित अनर्थ की बात हुई। और एक अनर्थ जो कि भयंकरतम अनर्थ है वो है अपराध से उत्थित अनर्थ। तो दुष्कृति उत्थित अनर्थ की बात हुई, सुकृति से जात अनर्थ की बात हुई, भक्ति से जात अनर्थ की बात हुई, और अपराधों से उत्पन्न अनर्थ के बारे में जब बात हुई तो बात है सेवा अपराध। भगवान की सेवा में जो हमसे 32 प्रकार के अपराध हो सकते हैं वो, लेकिन कहा गया कि अगर कोई भगवान का नाम लेता रहे श्री गुरु की शरणागति उनके अनुगत्य में तो फिर ये सेवा अपराध दूर हो जाता है। लेकिन अगर कोई ये सोचे कि मैं भगवान का नाम लेकर के और थोड़े बहुत अपराध कर सकता हूँ, तो कहा जाता है वो वज्र की तरह कठोर हो जाता है अपराध, ऐसा अपराध। और दूसरा है नाम अपराध, इसमें सबसे भयंकरतम अपराध है श्री गुरु और श्री वैष्णवों के प्रति अपराध, उनकी निंदा करना, उनके प्रति हिंसा करना, उनके प्रति द्वेष बुद्धि रखना, उनके प्रति उनको देख करके उनको अभिवादन नहीं करना। 6 प्रकार के अपराधों की सूची बताई, उनके साथ उठना बैठना नहीं, उनसे कोई बात नहीं सुनना, उनसे कोई अपनी हृदय की बात नहीं करना, उनको इग्नोर करना, है ना, उनकी परवाह ना करना, डांट देना, बातें सुना देना, निंदा भर्सन। अगर कोई कहे कि अच्छा लेकिन अगर किसी ने गलत काम किया है तो हमें तो बताना चाहिए ना उसे कि आपने गलत काम कर दिया, तो बोले नहीं, हमारे शास्त्रों में कहा गया नहीं, अगर हम ऐसा करते हैं तो भी हम उसके दोषों का कीर्तन करते हैं तो वो भी अपराध में गिना जाएगा। तो ये भयंकर है, क्योंकि भगवान ने गीता में एक डिक्लेयर कर दिया, अभी चेत सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेव सा मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सह, कि जो अनन्य भाव से मेरा भजन कर रहा है चाहे वो कितना ही दुराचार क्यों ना करे, कितना ही दुराचार क्यों ना करे। मैं भी कुछ पढ़ रही थी, उसमें रोंगटे खड़े कर देने वाले वर्णन थे, ऐसे ऐसे अपराधों का वर्णन, ऐसे ऐसे पापों का वर्णन, मगर साथ में अगर भजन चल रहा है तो बोला गया उसे साधु समझना होगा, ऐसे भयंकर बातें साधु समझना होगा। क्योंकि भगवान ने बोला अभिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव, यानी किसी अन्य देवी देवताओं का सहारा नहीं लिया, सिर्फ मेरा भजन कर रहा है तो उसे क्या समझो, उसे साधु समझना। क्यों? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानहि नामे भक्ति अपनश्यति, मेरे भक्त का धीरे 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 विकास ही होगा, जल्दी ही वो धर्मात्मा हो जाएगा। प्रभु धर्मात्मा कैसे हो जाएगा? भगवान ने कहा मैं करूंगा ना, हृदय स्थो ही अभद्राणी, मैं हृदय में स्थित अभद्र चीजों को निकाल देता हूँ, ये मेरा काम है, मैं करूंगा। तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानहि नामे भक्ति अपनश्यति, कुंती पुत्र ऐलान कर दो कि मेरे भक्त का कभी भी विनाश नहीं होता। तो इसीलिए
ये जो अपराध है, नाम अपराध, श्री गुरु और वैष्णवों के प्रति अपराध, ये भयंकर अपराध है, भयंकरतम अपराध है। तो बाकी समस्त अपराधों से तो छुटकारा मिल भी सकता है अगर श्री नाम की शरण ली जाती है, लेकिन अगर श्री गुरुदेव के प्रति हमारे से कोई अपराध हो जाता है या वैष्णवों के प्रति हमारे अंदर हे बुद्धि आ जाती है, चाहे वो कितना ही नया वैष्णव हो, आज ही भजन करने आया हो, तो भी ये नहीं, अरे इसको क्या, ये शब्द तक नहीं आना चाहिए। इसीलिए तो देखिए हमारे महाप्रभु ने एक बहुत बड़ा मंत्र दिया हमें, क्या क्या मंत्र दिया, त्रिनादपि सुनी चेन तरोरी वसही सुनना अमारी ना मान देन कीर्तनिया सदा हरी। तीन चीजें हैं, बस इसी की प्रैक्टिस कर लो, भजन भजन सब हो जाएगा। तीन चीजों की प्रैक्टिस कर लीजिए, क्या, त्रिनादपि सुनी चेन, मैं तृण से भी नीच हूं। अगर मैं ही सोचना है, क्योंकि अहमता और ममता तो जाएगी नहीं, तो अहमता को ही सोचना है, तो मैं तृण से भी नीच हूं। और तरूरी व सही सुनना बहुत कठिन है, कोई हमारा अपमान कर दे, कोई कुछ कह दे, कोई उंगली उठा दे, लेकिन तरूरी व सही सुनना, महाप्रभु ने इसके बारे में बोला कि जैसे वृक्ष को काटा जाता है और वो कुछ नहीं बोलता, अपना सब कुछ दे देता है याचक को, ऐसे ही अगर कोई जो है हमें कुछ कहे तो ऐसा ही सहिष्णुता। और अमानिना मान देन, अपने मान की अपेक्षा ना रख करके सबको मान देना, अमानिना मान देन, अगर ये तीन चीजें किसी में हो तो भगवान ने कहा गारंटी है कीर्तनिया सदा हरी। मगर ये तीन चीजें, और वो भी कलयुग, कली का युग, कलह का युग है ना, उसमें बहुत मुश्किल है। पर फिर वही बात, भगवान की एक ही बात याद रखिए, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन जागृहयते। हो सकता है, क्यों, अभ्यास, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, इसी चीज की प्रैक्टिस। गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा से समस्त अनर्थों की, जितने अनर्थ आपके सामने बोले, इनमें और भी है, लय यानी कि भगवान का कीर्तन हो रहा है उसमें नींद आ जाना, भगवान की श्रवण हो रही है उसमें नींद आ जाना, कथा चल रही है सो गए आदमी, ये लय है, ये अनर्थ है बहुत बड़ा। विक्षेप यानी कि कीर्तन चल रहा है लेकिन कोई बात करने लग गया, बीच में बात करने लगे, कोई सी भी बात इधर उधर के पीछे बैठ के औरतें बातें करते हैं, आदमी लोग बातें करते हैं, ये विक्षेप है, लय विक्षेप है। और साथ में जो है अतिप्रत्यय यानी कि कीर्तन में असमर्थता, आप कर नहीं पा रहे हैं, आपका मन नहीं कर रहा, आज मन उचाट है, आज भजन में मजा नहीं आ रहा, इसलिए माला वाला यही रखते हैं। और फिर कषाय है, इस कषाय का मतलब काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, इनके वशीभूत हो जाना, ये बहुत भयंकर अनर्थ है कषाय। और रसास्वाद, रसास्वाद मतलब अचानक हम हरि नाम कर रहे हैं, आज सोचा कि आज बैठ के 64 माला करके ही रहेंगे और जब तक करेंगे नहीं पूरा हो नहीं जाता, आज कुछ खाएंगे नहीं, इसी बीच में किचन से सबसे बढ़िया खुशबू आई खाने की, माला को रखा उधर और पूछा क्या बना रहे हो, पहले ये दे दो, ये रसास्वाद है, ये भी एक अनर्थ है। इन समस्त अनर्थों की निवृत्ति का एक ही मूल स्रोत है, और वो क्या है बताओ, श्री गुरुदेव के चरणों में आके समस्त अनर्थों की निवृत्ति हो जाती है, प्रोवाइडेड कोई उनका निष्कपट भजन करे, श्री गुरु के चरणों को हृदय में धारण करके ही अपने समस्त कार्य करे, श्री गुरुदेव को ही अपना सर्वस्व जान करके उनके प्रति आत्म समर्पण का भाव करके ही वो अपना दिनचर्या व्यतीत करे, तो उसे कोई अनर्थ कभी भी छू नहीं सकता। तो देखिए हम लोग बीच में जो चर्चा कर रहे थे कि अंदर बाहर यही दुई तो साधन, जब हम कहते हैं कि यही से उत्तम गति, अगर भगवान के परम भक्त प्रियतम श्री गुरुदेव से प्रेम किया जाए, उनका भजन किया जाए, तो कौन सी उत्तम गति प्राप्त होती है, तो बहुत ही सुंदर पद श्री नरोत्तम दास जी ने रचा, जो कि मंजरी भाव उपासक है उन सब के लिए, कि वो उत्तम गति क्या है, पार्षद देह, जिसकी चर्चा हो रही थी, जो नारद जी को भगवान ने कहा कि तुम जब मेरा भजन करने लगोगे और समस्त कषाय समाप्त हो जाएंगे, कषायों से रहित होकर मेरा भजन करोगे, तो तुम्हें क्या प्राप्त होगा, पार्षद देह की प्राप्ति। और हमें क्या चाहिए, मंजरी भाव उपयोगी,
देह रागानुगा भक्ति रागात्मिका भक्तों के अनुगत्य में श्री गुरुदेव के अनुगत्य में श्री रूप मंजरी लवंग मंजरी आदि समस्त मंजरियों के अनुगत्य में ये हमारा यही अभीष्ट है। तो देखिए इस पद में यही बता रहे हैं श्रीपद नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कि श्री गुरुदेव के प्रसाद से जो हमें प्रेम सेवा मिलती है वो किस प्रकार की है। वो कहते हैं कुसुमित वृंदावने नाचत शिखी गणे पिक कुल भ्रमर झंकारे है ना। नरोत्तम दास ठाकुर महाशय सोच रहे वो तो नित्य परिकर हैं, प्रेम अवतार है, निताई चांद का प्रेम गौर प्रेम उनके अंदर ही वासित रहता है, निताई के आवेश अवतार माने गए हैं। तो वो बोलते हैं वृंदावन जो पुष्पों से भरा हुआ हो जहाँ पर पिक कुल मयूर सब नृत्य कर रहे हो और भ्रमर बहुत सुंदर प्यारी झंकार कर रहे हो और ऐसे में प्रिय सहचरी संगे गाइया जाइबे रंगे मनोहर निकुंज कुटीरे। प्रिय सहचरी अपनी गुरु मंजरी के साथ अपनी प्यारी हमारी जितनी वरिष्ठ गुरु मंजरियां हैं और श्री रूप मंजरी आदि के साथ और गाते गाते श्री राधा श्याम सुंदर के गुणगान को गाते गाते मैं रंग से भर करके मनोहर मन को हरने वाले निकुंज में कब जाऊंगी कब जाऊंगी। हरि हरि मनोरथ फलिवे अमार। हे हरि क्या मेरा मनोरथ फलित होगा। पहले हरि की शरण लेके बोल रहे हैं, सोचा तो बहुत है क्या ये कभी फलित होगा क्या होगा। फिर कहते हैं दुहक मंथर गति कौतुके हेर वो अति अंग भरी पुलक अंतरे। कह रहे हैं कि दोनों की जो धीमे धीमे गति है श्री प्रिया प्रीतम की जो मंथर वेग से चल रहे हैं तो मैं कौतुक से सविस्मय देखूंगा। देखो ना ये अनुराग है, ये अनुराग भगवान को नित्य नवायमान दिखाता है, श्री प्रिया जी को नित्य नवायमान दिखाता है, उनके माधुर्य की छटाएं हर तरह से उद्भासित होती रहती हैं और इसी अनुराग से रंजित नेत्र हैं समस्त जो मंजरी गणों के। जो बोला है ना ब्रह्म संहिता में प्रेमांजन छुरित भक्ति विलेचन विलोचने न संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। बाहर से ठाकुर जी आकर के ऐसे दर्शन नहीं देने वाले, तुरंत संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। ये हृदय में है, ये हृदय चित्त का दर्पण साफ होगा माला करते करते चेतो दर्पण मार्जनम तब ये उत्पन्न होगा। क्या ये क्या बोल रहे हैं दुहक मंथर गति कौतुके हेरे वो अति अंग भरी पुलक अंतरे। अंतर में पुलक जागृत होगा, अंग में पुलकायित हो जाऊंगा और चौदह के सखीर माझे राधिकार इंगित चिरुणी लैया करे धरी। सखियों के साथ में मेरी अवस्थिति होगी और राधिका इशारा करेंगी राधा रानी कि मेरे बाल संवार दो ना और फिर मैं वो स्वर्ण की कंघी साथ में लेकर के उनके पास जाऊंगी श्री गुरु मंजरी की आज्ञा से। कुटिल कुंतल सब बिथारिया आचर वो बनाई वो विचित्र कवरी। उनके सुनहरे उनके घुंघराले बालों को जब मैं अपनी उस चिरुणी से सजाऊंगी और सुंदर विचित्र कवरी बनाऊंगी समस्त पुष्पों से उनको सजा दूंगी। फिर क्या करूंगी मृग मद मलयज सब अंग लेप वो पराई वो मनोहर हार। विचित्र मृग मद कस्तूरी और चंदन का लेप समस्त अंगों में मैं लेपूंगी और फिर क्या पहनाऊंगी उन्हें विचित्र हार पहनाऊंगी मणिमय हार पुष्पों के हार सब मुझे पहनाने का सुयोग प्राप्त होगा। ये सेवा भक्ति क्या होती है प्रेममय सेवा ही तो होती अनुकूलन कृष्णानुशीलनम है ना। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता देखो संबंध ज्ञान बिना संबंध के भगवत प्राप्ति नहीं होती। कितना प्यारा संबंध दे दिया प्रिया प्रियतम का संबंध दे दिया हमारे गोस्वामी गणों ने हमारे प्यारे श्रीमन महाप्रभु ने जिनके अनर्पित चरी अवदान के बगैर कभी भी राधा दास्यम की ये सुखद अनुभूतियां हमें नहीं हो सकती थी। फिर चंदन कुमकुमे तिलक बनाई वो हेरो वो मुख सुधाकर। चंदन और कुमकुम मिला करके प्यारा सुंदर सुंदर तिलक रचना करूंगी श्री राधा श्याम सुंदर का और उनका मनोहर चंद्रमुख निहारूंगी। मुख सुधाकर चंद्रमा से तुलना दी गई, चंद्रमा से तुलना दी गई। बिलमंगल ठाकुर कहते हैं प्रभु मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी चंद्रमा से आपके सुंदर रूप की तुलना दे करके, क्योंकि ये चंद्रमा मुझे लगता है कि आपके
चंद्रमा ऐसा दिखता है कि मानो कपूर से आपकी आरती की और वो आरती का जो कपूर वगैरह है उसको फेंक दिया गया और वो जो अवशेष भाग है वही चंद्रमा बन गया, है ना। चंद्रमा वही है और कुछ नहीं है, आपके रूप के आगे चंद्रमा क्या है। लेकिन क्या है ना कि यहाँ जड़ चीजें यही बेस्ट चीजें उपलब्ध हैं, तो कवि इन्हीं से तुलना कर सकते हैं, नहीं तो भगवान की तुलना भगवान के अलावा किसी से नहीं की जा सकती। तो नील नील पट्टांबर जतने पर आई वो और पाए दीबो एक मिनट नील पटांबर जतने पर आई वो पाए दीबो रतन मंजीरे, पाए में दूंगा रतन मंजीर और नील पटांबर बहुत जतन से नील साड़ी पहनाऊंगी। श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय वसुधा ये हमें बता रहे हैं कि कैसे सेवा की अभिलाष करनी है। भृंगारेर जले रांगा चरण धुआई वो मुछाई वो आपन चिकोरे, भृंगार के जल से यानी कि भृंगार मतलब एक जग होता है स्वर्ण का जग और उससे उनके जो रातुल चरण है उनके आलतायुक्त चरण है उनको धुलाऊंगी और फिर अपने आंचल से उनको पोछूंगी। कुसुम कोमल दले सेज बिछाई वो शयन करावो दूहकारे, कुसुम कोमल दल से के सेज को बिछाकर उनको शयन कराऊंगी। धवल चामर आनी मृदु मृदु बीजी वो छरमित दुहक शरीरे, और दोनों के जो दोनों के शरीर पर हल्का हल्का जो घर्म का बिंदु है हाँ उसको हटाने के लिए मैं बीजन करूंगी। मृदु मृदु बीज को धीरे धीरे, और उसका भी एक अलग शैली बताई है, श्याम सुंदर की तरफ से बीजन करूंगी प्रिया जी की तरफ और प्रिया जी की सुंदर की तरफ से बीजन करूंगी श्याम सुंदर की तरफ, ताकि दोनों को एक दूसरे के गंध प्राप्त हो, दोनों ही एक दूसरे, क्योंकि ये बहुत गूढ़ विषय है, निगूढ़ विषय है। आगे कहती है कि धमल चामर आनी मृदु मृदु बीज वो हाँ छरमित दुहक शरीरे, और कनक संपुट करी कर्पूर तांबुल भरी जोगाई वो दोहार बधने, कनक संपुट में तांबुल लेके आऊंगी और दोनों को खिलाऊंगी अपने हाथों से। देखिए जीवात्मा की कहाँ की उड़ान महाप्रभु ने दे दी, राधा दास से कहाँ, हम कीट कीटाणु जीव क्या सोच सकते हैं ऐसा, लेकिन हो सकता है श्री गुरु के प्रेम से उत्तम गति, यही उत्तम गति बता रहे हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, कहते हैं अधर सुधारस तांबुल सुबासे भोकबो अधिक जतने, श्री गुरु करुणा सिंधु लोकनाथ दीन बंधु मुई दीने करो अवधान। राधा कृष्ण वृंदावन प्रिय नर्म सखीगण नरोत्तम मांगे ही दान, आ गई सारी बात, यही है उत्तम गति, यही उत्तम गति है कि श्री गुरु करुणा सिंधु अपने प्यारे श्री गुरुदेव श्री लोकनाथ जी को का आह्वान करें कि हे गुरुदेव मैं दीन हूँ हीन हूँ पतित हूँ पामर हूँ, पर आप मुझे यही वरदान दो, यही यही मेरा साथ दो। क्या साथ दो, मुझे तो चाहिए राधा कृष्ण श्री वृंदावन श्री प्रिय नर्म सखीगण, बस और कुछ नहीं चाहिए। प्रिय नर्म माने मंजरीगण, समस्त प्रिय नर्म सखियां जो प्रिय प्रियतम के बहुत ही निगूढ़ सेवाओं में रत हैं, सेवा से गठित ही उनकी देह है और उनका मन प्राण प्रिया प्रीतम की सेवा में निष्ठ है, मुझे बस ऐसी सेवा वाली देह दो, मुझे बस वही दो और कुछ नहीं चाहिए। तो ये है उत्तम गति, और ऐसी उत्तम गति हम सबको भी प्राप्त हो, बस यही शुभकामना है हमारी, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। जय जय श्री राधे। दो मिनट श्री राधे राधे का गान गाने, राधे 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 जय 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 श्री राधे, राधे 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 जय 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 श्री राधे। राधे 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 जय 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 श्री राधे, राधे 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 राधे
जय 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 श्री राधे। राधे 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 जय 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 श्री राधे। राधे 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 जय 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 श्री राधे। राधे 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 जय 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 श्री राधे। राधे 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 जय 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 श्री राधे। राधे 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 जय 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 श्री राधे। राधे 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 जय 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 श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्याम श्री गुरु निताय गौर सीतानाथ से मनंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे।